ड्रामा सीरियल फ्रॉड एपिसोड ट्वेंटी फोर रिव्यू विद एपिसाइव टीजर फ्रॉड में फ्रॉड वो भी हमारे साथ फ्रॉड में एक बार फिर इतनी ज़्यादा गलतियां माया और शजी आखिर कब मिलेंगे क्या माया शान का दिल जीतने में कामयाब होगी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में माया और शान की शादी हो जाती है अमाया तूबा की शादी में ना आए इस काम के लिए तलाल को मारा गया और शजी माया और शान की शादी में ना आए इस काम के लिए केस हारने का ड्रामा कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए था जैसे शजी के बाप की तबीयत बिगड़ जाती उसको जाना पड़ता या फिर वालिद की डेथ हो जाती तो वो शादी में शिरकत ना कर पाता अब एक ही घर में रहते शादी पर ना जाने की नहीं बनती वो भी जब शादी रात की है दूसरा ना हमें साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में माया और शान की मुलाकात दिखाई गई ना ही जिमल की शजी से मुलाकात और उसका रिएक्शन जिमल वाला सीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था निसार साहब के रोने पर आधा टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें कोई एंटरटेन ही कर देते निसार साहब तो पूरी ड्रामा क्वीन हैं बेटा तुम्हारी मर्ज़ी से सब कुछ होगा अब माया कह रही है कि शादी से पहले शान को सच बताना ज़रूरी है तो जनाब कह रहे हैं फ़ोन उन करके उन्हें बताओ शादी के लिए हाँ है बेटी को भी कहा हमें खुश होने दो भाई शादी क्या खेल है कि अभी आप खुश हो लें कल को धोखे की वजह से आपकी बेटी को तलाक दे दें बस आज आप हैप्पी हो जाएं तो सब ठीक मैडम को इतना चलाक दिखाया गया कि वो फौरन समझ गई कि शजी की नज़र शान की जायदाद पर है ये नज़र नहीं आया कि शजी ने अपने बारे में जो कुछ कहा वो झूठ है आई मीन हिज बैकग्राउंड फिर मुकदमा हारने पर जब शान कहेगा कि मेरे वकील मुकदमा लड़ेंगे तो शजी क्या करेगा अब ऐसे में हमें ये दिखाया जाएगा कि शान की माँ मुकदमा दोबारा लड़ने से मना करेगी पर ये कैसे हो सकता है जब तक उसको पता ना हो कि शजी की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं अगर तो वह समझ रही है कि शजी वाक्य ही एक अमीर खानदान से है तो वो क्यों मुकदमा लड़ने से रोकेंगी यानी इस ड्रामे में असल फ्रॉड तो हो रहा है हमारे साथ निसार साहब का क्या एतबार एत नायल माया की शादी में आए और ये नायल और माइला के रिश्ते को पक्का कर दें कफन उठाकर ले आए उस कफन में निसार साहब अपनी अकल डालकर दफन कर दें पर वो तो है ही नहीं उनके पास फिर ये निसार साहब हर वक्त कंगले क्यों होते हैं जानी माया को एक बार तो दे दिया जब तबरेज से शादी की फिर बाद में दिल का दौरा पड़ा तो एक भी पैसा नहीं था हालांकि माइला वाले पैसे उनके पास मौजूद थे फिर भी तलाल के पैसों से ऑपरेशन करवाया माया की जब नाइल से शादी थी फिर कहा कुछ नहीं है मेरे पास आप जब शान से शादी हो रही है फिर से खाली हाथ बैठे हैं एक प्रोफेसर जिसकी सिर्फ दो बेटियां हों वो इतना गरीब कभी नहीं होता या तो फिर ऐसा करते कि उनको एक ईमानदार क्लर्क बना देते तब्रेज और माया का सामना हो जाना चाहिए ड्रामे को और ड्रैग नहीं करें कहानी में जो सीक्वेंस एपिसोड 11 12 तक आ जाना चाहिए था वो अब एपिसोड 25 में भी नहीं आया तलाल वाले ट्रैक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, थी ना ही शजी की गांव वाली शादी की अब हमारे साथ मजीद फ्रॉड प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दें और ड्रामे को अख्ताम की तरफ लेकर चलें शान माया को ठुकरा देगा क्योंकि उसने औलाद ना होने की शर्त पर शादी की है शान की मां ने यह बात भी माया के घर वालों को नहीं बताई माया का दिल एक बार फिर टूट जाएगा लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करेगी ऊपर से शजी उसे ब्लैकमेल करेगा देखते हैं माया कब शजी का सच सामने लाती है ज़िमल और माया की बॉन्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो शान को बदल देगी और ज़िमल की वजह से ही माया इस पोजीशन में आएगी कि शान को शजी और अपनी शादी के बारे में बता सके हमारे साथ मिलकर देखिए ड्रामा सीरियल फ्रॉड को लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आपने कभी भी नहीं भूलना जल्दी से कर दीजिए ये काम और हम मिलेंगे दोबारा